हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन द हिंदू एंड आई एम कुश पांडे। हम सब जानते हैं कल है 15 अगस्त, पर कल छुट्टी है तो आज ही हम मना रहे हैं हमारे इस चैनल पर द इंडिपेंडेंस डे। सो वेरी वार्म एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन हु इज़ वॉचिंग आवर वीडियो, एंड वी आर कमिंग विद अ नंबर ऑफ वीडियोज़ टुमारो विच विल मेक यू फील प्राउड, विच विल मेक यू अमेज्ड, बिकॉज टुमारो वी आर हैविंग सम वेरी 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 स्पेशल वीडियोज दैट वी मेड जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो कल 15 अगस्त को हमारे इस YouTube चैनल को देखना मत भूले, बिकॉज टुमारो वी हैव समथिंग न्यू, समथिंग मोटिवेशनल, समथिंग इंस्पिरेशनल एंड समथिंग इनोवेटिव फॉर एवरी वन टू सी। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माई टीम एंड दिस पर्टिकुलर चैनल कि कल हम कुछ लाने वाले हैं आपके लिए नया। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन गाइज। दिस इज कुश पांडे एंड वी आर वॉचिंग द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू और द हिंदू शो इन विच वी फोकस ऑन थ्री थिंग्स। नंबर वन, वी फोकस ऑन द करंट अफेयर्स फ्रॉम द पेपर। आज हमारे जो पेपर वाला दी वेंडर गाय इज नॉट अवेलेबल, ही इज ब्रिंगिंग इन द पेपर, वील सून गेट द पेपर, बट टिल दैट पॉइंट we'll use the PDF version. Number two, we'll discuss the headlines in detail. And number three, we'll also use the Hindu and the static shots. So without further ado, let's start guys' discussion of the current affairs based on the Hindu. Jai Hind, Jai Bharat. Shuru karte hain aaj ki charcha aur aapko dikhate hain hum sabse pehle ki aaj hamare paas wo headlines kaun-kaun si hain, and fir hum aage badhenge अपनी दूसरी हेडलाइंस पर। वी डिस्कस द हेडलाइंस ऑफ 12th ऑफ अगस्त एंड 13th ऑफ अगस्त, पर पहले हम चर्चा यहां पर करेंगे 14th ऑफ अगस्त गाइस। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन गाइस, वी आर ऑन द लैपटॉप एंड ये रही आपके सामने द 14th ऑफ अगस्त। इसको एक बार देख लीजिए आप स्क्रीन पर अगर पॉसिबल है दिखना, एंड लेट्स सी द हेडलाइंस गाइस। ओके वन सेकेंड, यस द हेडलाइंस आर ऑन पेज नंबर 5 वी हैव द फर्स्ट हेडलाइन, देन पेज नंबर 6, then two headlines on page number 10, then on page number 11. So on the first slide we have 5, 6, two headlines on 10 and then on page number 11. Isko ek bar aap likh lijiyega, iska screenshot le lijiyega, ye hamare first page hai. सेकेंड पेज यहाँ पर है, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 पर टू हेडलाइंस हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्लाइड की तो 5, 6, 10, 11, देन सेकेंड स्लाइड वी हैव 12, 13, वी हैव टू हेडलाइंस एंड देन वी हैव पेज नंबर 17। सो टोटल वी हैव 9 हेडलाइंस टुडे गाइस, एंड देन वील डिस्कस दो और पार्ट डिस्कस यहाँ पर करेंगे। एंड एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है हमारे कमेंट सेक्शन में, थैंक यू सो मच प्रशांत पांडे सर, IBPS PO 2017 नोटिफिकेशन हैज जस्ट ब्रोकन अप, सो विल soon wrap up this particular show and we'll enter into this particular video which will focus on the IBPS PO 2017 notification, the syllabus, the exam pattern and the cutoff of everything will be available on this particular site. So notification ki baat yahan par aa gayi hai guys, hum sab chahenge thank you kahein Prashant Pandey sir ka, thank you so much Prashant sir for the speedy update, will soon come forward with the notification video as soon as possible. Chaliye shuru karte hain guys, bilkul bach chuka hai PO ka, to smile mein itra kijiye कि अब तैयारी डबल कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स टेक अप द फर्स्ट इमेज ऑफ द डे, एंड ये रही आपके सामने द फर्स्ट इमेज, दैट इज एन इमेज ऑफ वन ऑफ माय हीरोज। यस, ही इज वन ऑफ माय हीरोज, ही इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ही डिलीवर्ड अ वेरी फेमस स्पीच दैट वॉज आई हैव अ ड्रीम। बिल्कुल स्पीच को पढ़िएगा क्योंकि बिल्कुल बच चुका है, बिकॉज द नोटिफिकेशन हैज कम। तो भैया इनकी स्पीच तो बनती है कि इफ यू कांट फ्लाई रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन crawl, but by God's grace keep moving. That is what is the message given by this particular leader, that is Martin Luther King Jr. guys. अब वापस आते हैं स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं अब हमारी फर्स्ट हेडलाइन की इमेज। ये रही आपके सामने द इमेज ऑफ द फर्स्ट हेडलाइन गाइज, this is the image. Any idea about what is this particular image? Well, this image guys is the image of an satellite. India and specially ISRO are going to repair, are going to maintain, मतलब सब कुछ करेंगे वो अब सैटेलाइट के अंदर। तो एक बहुत ही अच्छा दिन है, एक तो वैकेंसी भी आ गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जो ISRO की सैटेलाइट बनाने की कैपेबिलिटी है उसमें भी बढ़त मिली है। ISRO according to its center, according to its chairman, they will soon or with the IRNSS-1H they are going to set up, build and repair their very own satellites. That is a very big news. Again ISRO has made us proud. That is the headline guys. To screen pe ab aapko dikha dein is particular headline ko, hum dikha denge aapko screen par. One second, just give me 1 minute guys, because we have the PDF with us. One second,
ओके सो दिस इज द हेडलाइन गाइस दैट विल फोकस इट इज ऑन पेज नंबर 5 पेज नंबर 1 पर ये हेडलाइन नहीं है ये हेडलाइन आपकी है ऑन पेज नंबर 5 सो लेट्स प्रोसीड टू पेज नंबर 5 गाइस एंड ये रहा आपके सामने पेज नंबर 5 एंड दिखा दे स्क्रीन पर एंड ये रहा आपके सामने पेज नंबर 5 गाइस सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो इंडस्ट्री पार्टनरशिप सेट फॉर लॉन्च 1400 किलोग्राम IRNSS नाउ IRNSS स्टैंड फॉर इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सो IRNSS-1H इज द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग क्लोजर लिंक्स विद प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स सो पहली बार देश के अंदर प्राइवेट कंपनीज की मदद से इंडिया विल लॉन्च इट्स सेल्फ मेड सेल्फ रिपेयर सेल्फ मेंटेन्ड सैटेलाइट दैट इज द IRNSS-1H दैट इज द सैटेलाइट दैट वी हैव एट हैंड जो कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गाइज कि वी हियर वी हैव मिस्टर एम अन्नादुरई ये स्क्रीन पर जो इमेज आप देख रहे हैं basically he is the director of ISAC ISAC basically is the satellite control center of ISRO जहाँ पर कि आपका repair होता है जहाँ पर कि आपका maintenance होता है तो उसके जो director हैं इनका नाम है Mr. M. Annadurai उनका मानना है कि after 1H they'll soon come with the other variants of this satellite वापस एक बार screen पे आ जाएगा इस बात समझिएगा ध्यान से complete focus रखिए यहाँ पर we all know about NAVIC NAVIC is referred to as India's very own GPS. Now, what is GPS? Geo Positioning System or Global Positioning System. So, भारत का खुद का एक जो GPS बन रहा है, satellites के जरिए, total 7 satellites थी, that is IRNSS, उसमें जो एक कड़ी जुड़ी है, that will replace the previous satellite because it malfunctioned, वो नाम है आपका IRNSS-1H, जिसका full form है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट उसको बनाया है रिपेयर किया है विद द हेल्प फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिटवीन एन इंडियन कंपनी एंड इसरो तो की ये बड़ी खबर आ रही है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हेडलाइन गाइस यहाँ पर बात याद रखिएगा कि सून वील सी मच बेटर सैटेलाइट्स दैट विल बी सेटअप मेड एंड रिपेयर्ड बाई इंडियन कंपनीज एंड इसरो अब स्क्रीन पर आपको दिखा दे गाइस इसी का स्टैटिक हिंदू शॉर्ट आप सब बहुत उत्सुक होंगे जानने के लिए तो हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे अपना एक वीडियो ऑन द नोटिफिकेशन चलिए दिखा दे स्क्रीन पर गाइस इसरो इज इक्वल टू 1400 kg IRNSS-1A सैटेलाइट विच हैज बीन लॉन्च्ड एट श्रीहरिकोटा विच विल बी लॉन्च्ड माफ कीजिएगा एट श्रीहरिकोटा It assembled and set up by ISRO Satellite Center, that is ISAC. The director of ISAC, guys, is M. Annadurai. It is in Bangalore, this particular center. It is a leading center of ISRO for design, development, fabrication and testing of all Indian-made satellites. Established by aapka 1972 mein. ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर आते हैं दो आपके जो इसका पुराना नाम है वो है इसका इंडियन सैटेलाइट साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट और इसके अंदर आते हैं आपका लियोस एंड आईसाइट इन दोनों के फुल फॉर्म आपको याद करना ज़रूरी है गाइस क्योंकि एग्जाम में टफ सवाल भी आ सकते हैं तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए द ISAC सेंटर इज इंपॉर्टेंट द ISAC दैट इज इसरो सैटेलाइट सेंटर इज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस पर्टिकुलर हेडलाइन नंबर वन नंबर टू इट वॉज फाउंडेड इन 1972 इट्स प्रीवियस नेम मार्क कर दीजिएगा स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है ईयर के बाद दैट इज इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट दैट इज द नेम ISSP जिसका शॉर्ट में अब्रीविएशन है सेकेंडली थर्डली इट हैज टू ऑब्जर्वेटरीज गाइस यहां पर पहला है आपका लियोस एंड दूसरा है आपका आईसाइट मैं बहुत फास्ट हूं कि भैया आज दिन ही फास्ट का है अगर आज आप फास्ट नहीं हुए तो शायद पीओ ना बन पाएंगे तो भैया साथ में रहिए एंड फोकस विद अस इन दिस पर्टिकुलर हेडलाइन तो वापस स्क्रीन पे आ जाएं गाइस ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा दैट इज द फर्स्ट हेडलाइन अगर यहां तक क्लियर है तो लिख दीजिए यस सर इट इज सुपर से भी ऊपर इसी के साथ हमारे पास पेपर भी आ गया है सो आई होप यहां तक आपको ये हेडलाइन समझ में आ गई होगी सो अब बढ़ते हैं आगे हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पे गाइस और दिखा दें स्क्रीन पर हमारी इमेज द इमेज इज ऑफ द नेक्स्ट हेडलाइन एंड दैट इमेज इज ऑफ द गुरखा लैंड भैया ये जो हेडलाइन है ये न्यूज़ में है फॉर एग्जांपल वी हैव आइडिया अबाउट गुरखा लैंड अबाउट एयर इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट तो ये भी एक हेडलाइन है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है गाइस तो इसको अब हम देखेंगे पेपर पे तो पेपर आ गया तो बिल्कुल भी अब हम बहुत फास्ट नहीं होंगे हम अपने पेज पे चलेंगे सो दिस इज़ द हेडलाइन गाइस गुरखा लैंड इसकी खबर बात करते हैं एंड खबर क्या है आइए दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर
एंड ये रही आपके सामने खबर गाइस. द खबर द हेडलाइन इज ऑन पेज नंबर 6 विच इज द नेशन पेज गाइस. एंड स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये हेडलाइन. अब आल अगेन रिपीट सर, वी आर ऑन पेज नंबर 6, इट इज द नेशन पेज एंड ये रहा आपके सामने द हेडलाइन. डार्जिलिंग शट डाउन एंटर्स द 60th डे. ये यहाँ पर हेडलाइन है हमारे पास. जी जे एम आर सेंटर टू स्टार्ट डायलॉग प्रोसेस टू रिस्टोर नॉर्मलसी इन द हिल्स. तो दार्जिलिंग में जो एक चल रहा है एक इशू, द दार्जिलिंग रिबेलियन दैट इज टेकन बाय द जी जे एम. द जी जे एम स्टैंड फॉर गोरखा लैंड जनमुक्ति मोर्चा. ये जो मोर्चा का एक रिबेलियन है, इसका जो एक अनरेस्ट है दैट इज़ हैपनिंग इन दार्जिलिंग, वो अब पहुंच गया है इन 60th डे. रिमेंबर गाइस, दिस पर्टिकुलर इशू इज़ प्रीटी डैम इम्पॉर्टेंट. ना सिर्फ एग्जामिनेशन में आएगा बल्कि इंटरव्यू में भी यहाँ पर ये आ सकता है. तो ये हेडलाइन है गाइस कि दार्जिलिंग शट डाउन एंटर्स द 60th डे, दैट इज़ अगैन प्रीटी डैम इम्पॉर्टेंट. वापस स्क्रीन पर आ जाएँ गाइस. Let's come back to the screen. Now, we have discussed this in detail. आपको जानना पड़ेगा about what is Gorkhaland. आपको जानना पड़ेगा what is the basic issue. आपको जानना ये भी पड़ेगा कि what is the background. So, you have to understand these three factors. Number one, what is a Gorkhaland. Number two, what is happening in Gorkhaland. And number three, what is the historical background. If you go through these three terms, then it would be pretty okay to leave this topic. So, these three terms are now covered in our Hindu static shorts. तो आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे guys, in which we've discussed these three factors. What is Gorkhaland? What are the fact? What is the current situation in Gorkhaland? Number three, what is the historical background? ये रहा आपके सामने guys, the Hindu and static shorts. Gorkhaland consists of the land where people of Darjeeling, Kalimpong, Kuresong and other hilly areas live. Now these people are Nepalese or Gurkhas by origin. They have a basic cultural and ethical difference with the rest of West Bengal. जो बाकी का West Bengal है उनमें और इनमें अंतर होता है, इसीलिए यहाँ पर difference पाया जाता है. Number one. Number two, the name that is Gorkhaland was given by Subhash Ghising. He coined the term in the year 1980s. Now In 1866, present form of Darjeeling was set up. उससे पहले जो आपका Darjeeling था, that was under the control of Chogyal of Sikkim. For the very first time, जब इसकी बहस हुई, वो बहस हुई आपकी 1907 में, when Hillbend Association ने इस पर बहस की. After that, in 47, the Communist Party of India submitted a report concerning it. And in 1980, the first movement, that is the Gorkha National Liberation Front, was formed. And 1988, they dropped the demand. In 2005, Darjeeling was included in the 6th schedule of the Constitution. In 2007, Bimal Gurung started the Gorkha Janmukti Morcha. In 2011, ek alag body bani wahan, jiska naam tha GTA. Ye game nahi hai guys, that is Gorkhaland Territorial Administration. And uske baad West Bengal's government decision to impose Bengali language, iski wajah se yahan par issue hua. To main fir se repeat kar raha hu aapke liye, pehle Hindi mein fir aapko bataunga English mein. Fir se repeat karta hu aapke liye. नंबर वन, जो गोरखालैंड है, ये गोरखालैंड जो है बेसिकली ये उन लोगों का है, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुरसोंग, इन एरिया जो लोग रहते हैं उनका है. नंबर वन. नंबर टू, जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया बाय सुभाष घिसिंग. नंबर थ्री, 1866 में जो प्रेजेंट फॉर्म है दार्जिलिंग का वो फॉर्म हुआ. उससे पहले दार्जिलिंग आपका चोगियाल ऑफ सिक्किम के अंदर था. जो हिलमेन एसोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग है उसने पहली बार आवाज़ उठाई 1907 में. सिमिलरली जो फर्स्ट डिमांड हुई वो हुई 1947 में सीपीआई ने फॉर्मली रिपोर्ट सबमिट की. 80 में इसके खिलाफ एक मूवमेंट हुआ, जो मूवमेंट था आपका गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट. एंड 88 में ड्रॉप इन डिमांड हुआ, पर 2005 में जब दार्जिलिंग इंक्लूड हुआ तो डिमांड खत्म हो गई. बट आफ्टर दैट गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बना, जिसमें कि कई दार्जिलिंग के लोग आए, पर बिकॉज ऑफ वेस्ट बंगाल्स गवर्नमेंट इन डिसीजन टू इम्पोज बंगाली लैंग्वेज इन ऑल स्कूल्स फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 9, ये इशू फिर से यहाँ पर वापस आ गया. तो जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, आई होप ये हेडलाइन आप सबको क्लियर हो गई होगी. आई होप दिस हेडलाइन इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यहाँ तक आप सबको ये हेडलाइन क्लियर हो गई होगी. अगर हो गई है तो एक बार लिख दीजिए येस सर इट इज़ सुपर से भी ऊपर, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ टू आर नेक्स्ट सेक्शन का. So that we can proceed to our next section, guys. I hope ये headline आप सबको अब crystal clear है. तो चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं guys. Okay, and now let's show you our next headline. And ये रही आपके सामने the next headline, guys. The image of the next headline. And ये रही आपके सामने. Okay.
दिस इज द मैप, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. दिस मैप इज द प्रपोज्ड मैप ऑफ गोरखालैंड, जो कि इसी हेडलाइन का पार्ट है. एंड ये मैप आपको बताएगा कि क्या क्या एरियाज आपके गोरखालैंड के अंदर आएंगे. इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है. अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज दिस हेडलाइन इज नॉट टू वरी एट ऑल. सो इस चीज़ को भी एक बार आप बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लीजिएगा. चलिए तो आते हैं वापस गाइस, एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट इमेज, जो कि हमारी नेक्स्ट हेडलाइन होगी. एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज गाइस. वेल, दिस इज एन इमेज. नाउ दिस इमेज इज फोकसिंग ऑन अ मैरिटाइम एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशियन. ये जो इमेज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है गाइज, दिस पर्टिकुलर इमेज इज फोकसिंग ऑन द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं. यहाँ पर ये हेडलाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया एंड चाइना विल पार्टिसिपेट इन अ नेवल एक्सरसाइज. वी ऑल नो द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट स्टिल इंडिया एंड चाइना विल पार्टिसिपेट इन एन एक्सरसाइज दैट विल टेक प्लेस इन द बे ऑफ बंगाल नियर बांग्लादेश. तो ये खबर आ रही है फ्रॉम बांग्लादेश की, नवंबर देर वुड बी अ ओशन एक्सरसाइज इन विच इंडिया एंड चाइना वुड पार्टिसिपेट. तो स्क्रीन पर आपको दिखा दें हेडलाइन गाइज, और ये रही आपके सामने हेडलाइन. वी आर ऑन पेज नंबर 10, दैट इज द न्यूज पेज. अगेन फिर वापस स्क्रीन पर ले आया जाए. We are on page number 10, that is the news page guys, and this headline focuses on the India-China participation in the naval exercise. जो एक naval exercise उस participation के लिए ये आपका बना है. तो India-China to join the Indian Ocean exercise, drill to be chaired by Dhaka, that is Bangladesh. So यहाँ पर ये headline को हम discuss करेंगे guys, कि India-China exercise हो रही है कहाँ पर, in the Indian Ocean, and the country that is responsible is Bangladesh. यहाँ screen पे हम बात कर, देखिए screen पे लिखा भी हुआ है कि दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वुड टेक प्लेस अंडर द आयोन्स. नाउ व्हाट इज आयोन्स गाइस, दैट इज इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, दैट इज आयोन्स. तो बेसिकली आयोन्स के अंतर्गत ये आपका एक्सरसाइज होगा. आयोन्स का फुल फॉर्म दिखा दे स्क्रीन पर. द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन गाइस इज इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, दैट इज आयोन्स. सो दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वुड टेक प्लेस अंडर द आयोन्स आयोन्स ऑर्गेनाइजेशन, नंबर वन. एंड नंबर टू, this exercise will be called as the International Maritime Search and Rescue Exercise or IMM SAREX. तो देखिए यहाँ पर गाइस दो चीज़ें आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी. नंबर वन कि जो एक्सरसाइज होगी वो उसका नाम है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है दैट वुड टेक पार्ट, उसका नाम है आयोन्स. एंड उस एक्सरसाइज का नाम है गाइस IMM SAREX, दैट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज इंटरनेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज, दैट इज IMM SAREX, दैट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर होगी. नंबर टू. नंबर थ्री, एक्सरसाइज जो आपकी होगी दैट वुड बी इन द मंथ ऑफ नवंबर. दो तीन चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है. फोर्थ चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आयोन्स वॉज स्टार्टेड एज अ रीजनल फोरम ऑफ इंडियन ओशियन स्टेट्स एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन 2008. इट प्रेजेंटली हैज 23 मेंबर्स. इट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया एंड दिस इज व्हाट इज द आयोन्स गाइस. तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को हम दिखा दें स्क्रीन पर. इसके अलावा कोई चीज और इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा द फुल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आयोन्स, नंबर वन. नंबर टू, इंडिया चाइना विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज कहाँ पर, नियर बांग्लादेश इन द बे ऑफ बंगाल इन द इंडियन ओशन, नंबर टू. नंबर थ्री, एक्सरसाइज का नाम है इंटरनेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, नंबर थ्री. नंबर फोर, आयोन्स बेसिकली द रीजनल ग्रुप दैट वॉज फॉर्म इन द ईयर 2008 इन इंडिया. इट प्रेजेंटली कंजिस्ट ऑफ 23 मेंबर्स, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं. तो वापस स्क्रीन पर आ जाएं गाइस, एंड नाउ लेट शो यू द स्टैटिक इन द शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. ये रहा आपके सामने द स्टैटिक एंड द हिंदू शॉर्ट्स. ये रही इमेज आपके सामने गाइस, दिस इज द इमेज. इंडिया प्लस चाइना मेडन मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज बांग्लादेश में होगी. दिस एक्सरसाइज वुड टेक प्लेस अंडर द नेम दैट इज इंटरनेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल. एंड दिस वुड बी अटेंडेड वुड बी ऑर्गेनाइज बाय आयोन्स, दैट इज इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम. इट विल टेक प्लेस इन नवंबर. आयोन्स वॉज फॉर्म्ड इन 2008. It represents all the Navy chiefs in the Indian Ocean region. It consists of 23 members. The subgroups of IONS are HADR, that is HADR and ISNI. So, today, many terms you will get here, guys.
उन टर्म्स को बिल्कुल आप एक बार उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सवाल एग्जाम में इनसे बिल्कुल और बिल्कुल आ सकता है. सो डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस इमेजेस गाइस, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत इन इमेजेस को देखकर ना हो. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस हेडलाइंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. चलिए तो अब वापस आते हैं स्क्रीन पर गाइज एंड लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन. आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, बिकॉज अब हम बढ़ रहे हैं टू आर नेक्स्ट हेडलाइन गाइज. यदि आपके स्क्रीन पर द इमेज ऑफ द नेक्स्ट हेडलाइन, द इमेज ऑफ द नेक्स्ट हेडलाइन इज येस, दिस इज द हेडलाइन. अगेन दिस हेडलाइन इज ऑन पेज नंबर 10 गाइज. ये हेडलाइन जो आपकी है ये पेज नंबर 10 पे है. ओके एंड दिस हेडलाइन फोकसेस ऑन इंडिया एंड रशिया. वापस स्क्रीन पे आ जाए. रशिया एवरी ईयर ऑर्गेनाइजेस एन एक्सरसाइज अ कॉम्पिटिशन दैट फोकसेज ऑन द मिलिट्री इक्विपमेंट्स, द मिलिट्री वेपन्स और इन फैक्ट बेसिकली द टैंक्स. सो देर इज़ अ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन सिंस 29th of July इन रशिया. एक कॉम्पिटिशन हो रहा है गाइज. कहाँ पर? रशिया के अंदर, जिसके जिसके अंदर भारत पार्टिसिपेट कर रहा है. इंडिया हैज़ क्रैश्ड आउट ऑफ दैट कॉम्पिटिशन गाइज, बिकॉज इंडिया का जो टैंक था, दैट टैंक वॉज, इफ आई एम करेक्ट, दैट टैंक वॉज T90. दैट टैंक ब्रोक डाउन बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम. तो तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो जो टैंक था आपका, दैट टैंक पर्टिकुलरली ब्रोक डाउन एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इंडिया हैज़ क्रैश्ड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हेडलाइन गाइज. तो एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा दें हेडलाइन क्या है गाइज. इंडिया आउट ऑफ रशिया टैंक कॉम्पिटिशन. ये हेडलाइन भी पेज नंबर 10 पे है. इट इज़ क्लोज टू द हेडलाइन दैट वी डिस्कस अर्लियर एंड ये हेडलाइन है इंडिया आउट ऑफ रशिया टैंक कॉम्पिटिशन. ये हमारी यहाँ पर हेडलाइन है. यहाँ पर जो टैंक का नाम है, उस टैंक का नाम है T90 एंड दैट हैज़ ब्रोक डाउन ड्यू टू अ टेक्निकल स्लाइड, एक टेक्निकल दिक्कत की वजह से ये टैंक आपका पूर्ण हो गया है. नंबर वन. नंबर टू, द कॉम्पिटिशन नेम इज टैंक बायथलन एंड इट हैज स्टार्टेड ऑन द डेट दैट इज July 29. तो इन तीन चीज़ को स्क्रीन पर दिखा दें फिर से. येस. सो नंबर वन स्क्रीन को दिखा दें. ओके. नंबर वन, द टैंक नेम इज T90. ये जो टैंक है, दैट टैंक हैज़ गॉन ऑफ. ये टैंक खराब हो गया, इस वजह से भारत ये कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया. इंडिया वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, पर ये बाहर हो गया है. मैं अपने पूछूंगा फ्रेंड से, क्योंकि ही वर्क्स इन द आर्टिलरी डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्मी, पूछूंगा उससे भैया क्या दिक्कत हो गई इस पर्टिकुलर टैंक से. नंबर वन. नंबर टू, अगर बात करें, दिस पर्टिकुलर एक्साइज, दिस कॉम्पिटिशन नेम इज टैंक बायथलन and it began on July 29. तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर extremely important हैं. तो वापस स्क्रीन पर आ जाएं guys and now let's show you the details, the static shots and Hindu shots of this particular headline. And ये रही आपके सामने the static and the Hindu shots guys, and ये रही आपके सामने the static and the Hindu shots. India has crashed out of the tank biathlon that was started in 29th of July. T90 tank broke down due to a technical problem. India is competing with 18 other countries including China. तो बेसिकली जो कॉम्पिटिशन का नाम है वो है टैंक बायथलन. कहाँ पर हुआ? ये हो रहा है रशिया के अंदर. कब स्टार्ट हुआ? July 29. एंड किस टैंक से भारत को दिक्कत हुई? वो है आपका दैट इज़ दी T90 टैंक, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं. दैट अगैन प्रिटी डैम इंपॉर्टेंट. ये रही आपके स्क्रीन पे हेडलाइन. चलिए वापस आते हैं गाइस एंड नाउ लेट्स कम टू आर नेक्स्ट हेडलाइन. आई होप टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट द टेम्पो ऑफ द शो इज ओके एंड अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट हेडलाइन पे गाइस. सो लेट्स फोकस नाउ ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन एट हैंड एंड ये रही आपके सामने नेक्स्ट हेडलाइन. एनी आइडिया ये क्या है, ये कौन है महाशय, हु इज दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ गोरखपुर. गोरखपुर इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ 8 बार से सांसद है, 8 बार या फिर काफ़ी समय सांसद हैं द करेंट सीएम ऑफ 5 बार से, यहाँ पर मुझे कर किया गया है, 5 सांसद हैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ साहब एंड उसी लिए न्यूज़ में है. तो एनी आइडिया ये क्या है, वॉट इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग. तब तक हम आ जाएँ पेज नंबर 11 पे का, क्योंकि हेडलाइन पेज नंबर 11 पे ही है एंड दिस इज़ द हेडलाइन गाइस. दिस इज़ बेसिकली अ मॉस्किटो. वापस स्क्रीन पे आ जाए. दिस इज बेसिकली अ मस्कीटो एंड स्पेशली इन द रीजन गोरखपुर एंड अराउंड द रीजन ऑफ गोरखपुर देर इज अ डिजीज एंड दैट डिजीज इज जापानीज एंसीफेलाइटिस. दैट डिजीज इज टेकिंग अ बिग टोल ऑन द लाइव्स ऑफ वेरियस पीपल हु लिव
इन और अराउंड द सिटी ऑफ गोरखपुर. तो गोरखपुर शहर के जो आसपास के लोग रहते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. द रीज़न इज़ बिकॉज इन अ सर्टन मेडिकल कॉलेज इन टू डेज 60 और चिल्ड्रन डाइड. The reason initially was given shortage of oxygen, then the reason was given because of this particular disease, that is Japanese encephalitis. Oxygen supply short or not, that I don't know, but I will discuss about the disease, that is the Japanese encephalitis. Hum focus karenge yahan par on the disease, that is the Japanese encephalitis. To screen pe dikha de aapko guys, it is on page number 11 and ye aapke samne guys, a deadly disease explained. Bahut hi acha article hai in the Hindu newspaper. It is on page number 11 and the headline is a deadly disease explained as per the Hindu newspaper. To yahan pe aap dekh sakte hain guys, a Japanese encephalitis is a mosquito borne viral disease infection of the brain. There is however a debate about the origin of the disease and whether it is enterovirus caused by virus found in pigs and birds. To yahan par aap dekh sakte hain, basically it is a disease borne due to mosquitoes. It is an infection that happens to the brain. एंड लोग कहते हैं कि ये पिक्स से या बर्ड से होता है, पर उस पर अभी प्रूव नहीं हुआ है. नंबर टू एंड नंबर थ्री, देर इज नो क्योर. दैट इज़ प्रिटी इंपॉर्टेंट गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. देर इज़ नो क्योर ऑफ JE और द जापानीज एनसीफलाइटिस, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं. सवाल यहाँ बने, गोरखपुर में ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज गोरखपुर हैज़ अ कंसिडरेबल बर्डन ऑफ डिजीज. इट बिकॉज द एरिया अराउंड गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, जितने भी केसेस हैं वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं गोरखपुर के अंदर. फॉर एग्जाम्पल दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, कुशीनगर, यहाँ से भी जितने भी केसेस हैं दे कम टू दी सिटी ऑफ गोरखपुर एंड यहाँ पर इसका इलाज होता है. इसीलिए ये न्यूज़ में है एंड दैट द रीज़न वाई कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि गोरखपुर इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तो वापस स्क्रीन पर आ जाएंगे गाइस. From our channel and from all of us, we have our sympathies to the blessed souls who passed away in Gorakhpur, that we and that we detest in every way possible. If possible, we rebuke the administration in Gorakhpur. ऐसा होना चाहिए नहीं था. पर बहरहाल एग्ज़ाम की अगर बात करें, हम एग्ज़ाम की बात करें या फिर कॉम्पिटिशन की बात करें, सवाल नहीं बनेगा अबाउट गोरखपुर्स डिबैकल और गोरखपुर्स मैसेकर. सवाल बनेगा अबाउट द डिजीज, दैट इज द जापानीज एंसेफलाइटिस. सो बहुत मुश्किल होता है अपने इमोशन को कंट्रोल करना, पर करिए सर, बिकॉज यहाँ पर सवाल अगर बनेगा तो बनेगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज द जापानीज एंसेफलाइटिस. ओके, तो अब स्क्रीन पे आपको दिखा दें हम इसी हेडलाइन को हमारे स्टैटिक हिंदू शॉर्ट्स के अंदर. द जापानीज एंसेफलाइटिस विच इज अ मस्कीटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन इज बिलीव टू बी कॉज्ड बाय वायरस फाउंड इन पिग्स एंड बर्ड्स. देर इज नो क्योर, माइंड इट, देर इज नो क्योर फॉर JE. Gorakhpur is a nodal point not because there are more cases in the district but because the only tertiary care center with 100 beds dedicated. So basically iska jo ek dedicated center hai na to Kushinagar mein hai na hi ye aapka it is in the district of Devariya, but guys it is in Gorakhpur. Isiliye yahan par aap dekh rahe ho ki the cases have increased इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. तो आई होप ये हेडलाइन आप सबको क्लियर हो गई होगी. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं टू आर नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. दिखा दे स्क्रीन पर अब हमारी नेक्स्ट इमेज जो कि रही आपके सामने स्क्रीन पर. यस, दिस इज द इमेज नाउ एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स कम टू पेज नंबर 12 गाइस. मैं चाहूँगा आप सब पेज नंबर 12 पे आ जाएं ताकि हम फोकस कर लें इस हेडलाइन को. लेट्स कम टू पेज नंबर 12. ओके, सो वी आर ऑन पेज नंबर 12 गाइस. वन सेकेंड. ओके, स्क्रीन पर दिखा दें आपको हेडलाइन अब एंड दिस हेडलाइन गाइस इज फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. दिस इमेज इज ऑफ सऊदी अरेबिया. इस इमेज की हम यहाँ पर आप बात करने जा रहे हैं. दिस इमेज इज ऑफ सऊदी अरेबिया गाइस एंड रीज़न क्या है न्यूज़ में दिखा दें स्क्रीन पे आपको. इट इज़ अ ट्रंपी पेज गाइस, इसकी बात यहाँ पर करेंगे. सऊदी अरेबिया बजट डेफिसिट हाफ्स आफ्टर ऑयल रिबाउंड. जो बजट डेफिसिट है सऊदी अरेबिया का वो ऑयल में चेंजेस की वजह से, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ऑयल प्राइजेस, बिकॉज ऑफ चेंज इन द ऑयल
इंक्रीज, यहाँ पर जो बजट डेफिसिट है वो आपका क्या हो गया है, हाफ हो गया। मैं चाहूँगा आप इसको मार्क कर लें, द वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट गाइज इज द बजट डेफिसिट। तो आप स्क्रीन पर आ जाएं गाइज, बजट कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स, बैलेंस्ड बजट, बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस। नाउ व्हाट इज दी, व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स, बात समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सऊदी अरेबिया वी ऑल नो इज एन ऑयल रिच कंट्री, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट चेंज इन द ऑयल प्राइस द डेफिसिट चेंजेस, कभी अगर ज़्यादा है तो डेफिसिट कम हो जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर हुआ, नंबर वन। नंबर टू बात समझिए यहाँ पर कि द बजट डेफिसिट गाइज हैज़ बीन हाफ्ड, द क्वेश्चन दैट कुड कम वुड बी बजट डेफिसिट, बजट सरप्लस और बजट बैलेंस। इफ द इनकम एक्सपेक्टेड अक्रूड अचीव्ड इज हायर देन द एक्सपेंडिचर दैट वुड बी अ बजट सरप्लस, अगर जो आय का अनुमान है, जो उसकी एक भविष्यवाणी है, जो एक्चुअल फिगर्स हैं, इफ दैट पर्टिकुलर इनकम इन द बजट इज हायर एंड द एक्सपेंडिचर इज लोअर, देन इट इज कॉल्ड एज अ बजट सरप्लस। सिमिलरली व्हेन द इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर दैट इज अ बैलेंस्ड बजट। ऑन द सेम लाइन if the income is lesser than the expenditure, that means expenditure is much higher or it is higher than the income, it is called as a budget deficit. So yahan par teen statements hai guys, budget surplus, budget deficit and budget balance, in teen cheezon ko aapko yahan focus karna padega. Ab aapko screen pe dikha de isi ka, acha iska to hamare paas hoga nahi static shots, but ye headline hai, yaad rakhiyega, about the budget deficit, budget surplus and then budget देन बजट सरप्लस देन बजट बैलेंस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इमेज पे गाइस जल्दी से, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन डिस्कस करना है बहुत जल्द। सो दिखा दें स्क्रीन पे आपको इमेज, नेक्स्ट इमेज, ये आपको उंगली दिखा रहे हैं। अब ये भैया कौन है मुझे तो नहीं पता, ये कौन है आपको पता होगा, ये कौन है, हु इज दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये महानुभाव कौन है, ये मेरा यहाँ पर सवाल है आपके सबके साथ। वेल दिस पर्टिकुलर इमेज इज ऑफ नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वी ऑल नो इज द मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, एंड इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज़ में भी हैं। सो अब स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे हम गाइस दी हेडलाइन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ मिस्टर नितिन गडकरी, उनका मानना है कि द एयर इंडिया आर्म दैट इज़ केप्ट फॉर मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल शुड नॉट बी सोल्ड टू अ प्राइवेट कंपनी। According to the Minister of Transport and Road, Mr. Nitin Gadkari, जो AI का arm है, that is, जो screen पर आपको हम दिखा भी देंगे, that is the air arm, that is AIESL, that is the Air India Engineering Services Limited, this particular arm should not be sold to any private company. We all know that a private company had showed interest in this particular part, पर अब उसको ये बेचने की तैयारी नहीं है, according to the Minister of Transport, उसको please करके आप ना बेचें to any private company. वापस स्क्रीन पे आ जाएं गाइस, लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन। याद रखिएगा, वी ऑल नो एयर इंडिया इज अंडरगोइंग डिसइन्वेस्टमेंट, एयर इंडिया की सेल होने वाली है। उसी सेल में खबर ये आई कि नितिन गडकरी का मानना है कि एयर इंडिया ये नहीं चाहता है कि सॉरी मिनिस्टर नहीं चाहते हैं ट्रांसपोर्ट के कि जो ये आर्म है दैट इज़ AIESL, इस आर्म को बेचा जाए टू अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी दैट इज़ कंसर्नड इज़ द एयर वर्क्स विच इज़ इंडियाज ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर MRO कंपनी। MRO स्टैंड फॉर मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल, उसको बेचने की बात यहाँ पर की गई है, दैट इज़ एयर वर्क्स गाइस, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उसको मना कर दिया है, उसको बेचने से मना किया है फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज मिस्टर नितिन गडकरी। तो वापस स्क्रीन पे आ जाएं गाइस, अब दिखा दें आपको इसी का स्टैटिक हिंदू शॉर्ट्स गाइस, एंड हियर आपके सामने द स्टैटिक हिंदू शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। तब तक आप लोग इक्वल टू मेथड यूज कर सकते हैं फॉर मास्टरिंग द करंट अफेयर्स। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड AIESL, that is the MRO arm of Air India, that is the maintenance, repair and overhaul arm, should be kept out of the sale, should be kept out by selling to a private company as per the Minister of Transport, Mr. Nitin Gadkari. He is one of the members of the group ministers for the sale of Air India. Now, according to sources, Air Works, which is India's oldest MRO company, is in talks to purchase AIESL. The CEO of this particular, the CEO of AIESL, guys, is Mr. H.R. Janganathan, जो कि यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। आई होप ये हेडलाइन आप सबको अब क्लियर हो गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं टू आर नेक्स्ट हेडलाइन गाइज, एंड अब दिखाते हैं स्क्रीन पे आपको द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज। दिस इज द हेडलाइन, एंड ये हेडलाइन आपकी है, दिस हेडलाइन फोकसेस ऑन द GIS,
Now, what is a GIS? A GIS, guys, is one second. A GIS, guys, is a geographic information system enabled database. So any land, any industrial cluster, any agricultural firm, any land in India would be now covered under this particular database, that is the GIS. So screen pe hum aapko dikha denge headline, guys. Ye rahi aapki headline on page number 13. Isko discuss kar lenge hum is Friday. Mujhe pata hai ki is baar show nahi hua, par is Friday ko bilkul show hoga. To isko ek baar dekh le screen pe aap, guys. GIS enabled portal maps related problems ke liye hoga. Yahan par abhi sirf aapko yaad karna hai ye, the full form, that is the geographic information system enabled database, that is the full form, guys. इसको सिर्फ यहां पर याद रखिएगा, बाकी चीज हम डिस्कस करेंगे इन आर बीबीएम शो, परेशान ना हो, पर ये हमारी हेडलाइन है, द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एनेबल्ड डेटाबेस. सिर्फ इसको याद करना है, अभी आपको डिस्कस इसको कर लेंगे इन द बीबीएम शो. इस बार बीबीएम शो होगा, परेशान ना हो, आई होप इस मुझे भरोसा करिए. और हम आगे बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पे, गाइस. दिखा दें स्क्रीन पे आपको द नेक्स्ट हेडलाइन, दैट वी हैव द इमेज ऑफ द नेक्स्ट हेडलाइन. और यदि आपके सामने द इमेज ऑफ द नेक्स्ट हेडलाइन, गाइस, यस, दिस इज एन इमेज ऑफ समवन who is referred to as the greatest ever. He is someone who was the fastest ever. He is someone who was unbeatable. He is someone who made everyone follow his steps. But what happened just some days ago was that he faltered on the last hurdle. अपनी जिंदगी की जो आखिरी रेस थी उसमें ये गिर पड़े. It is ironical and oxymoronic because he was given a grand farewell in a race in which he faltered and his team was unable to win the 4x100 meters in which they were the world champions. His name is the lightning bolt. He is Usain Bolt. To screen pe aapko dikha de, guys, not only him, wapas screen pe, not only him, but another legend of Britain, that is Mo Farah. He was also playing his last world championship. He also came second in the 5000 meters in the world championship, and dono hi log jo hain, they did not have a good outing in terms of their last world championships, that is Usain Bolt and Mo Farah. That is not a sad thing, that is the fate of destiny. To screen pe aapko dikha de, guys, Bolt Farah farewell party falls flat because they both faltered at the last hurdle. Yahan par yaad rakhiyega about Usain Bolt, because we have to remember him because he is one of the greatest ever, if not the greatest sprinter of the world. And then we have Mo Farah, who was a Brit who played for Britain, and he was a 5000 meter world champion. He has faltered in this particular part. To wapas screen pe aa jaye, guys, ye thi hamari headline. Ab aate hain aage. Let's come to our next set of headlines, guys. And here aapke samne the next image jo ki hamare samne hai, and isi ke sath hum wapas aa screen pe will discuss. ओके, चल दिखा देते हैं आपको. लेट्स फोकस ऑन 12th ऑफ अगस्त. समय कम है हमारे पास, क्योंकि गाइज हमें डिस्कस करना नोटिफिकेशन को. ये रहा आपके सामने 12th ऑफ अगस्त. सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें, डिस्कस कर लेंगे इसको हम बहुत जल्द इन आर शोज पर. अभी इसको देख लीजिएगा. टिल देन वील मीट यू सून विद द नोटिफिकेशन वीडियो. इसके लिए आप अपडेट रहें. नेक्स्ट पे आ जाएँ. दीज आर पेस्ट. देन वी आर 13th ऑफ अगस्त. इसको दिखा दें स्क्रीन पर. इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, गाइज. डिस्कस इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस कर लूँगा इसको मैं आगे चलकर. अभी आज बहुत ही बड़ी खबर आई, उसको डिस्कस करेंगे हम इसके बाद. पर इनका आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए. दिस इज ऑफ 13th ऑफ अगस्त, गाइस. इसको मत दिखाइए, वापस स्क्रीन पे आ जाएं. एंड नाउ लेट्स कम टू आर लास्ट इमेज ऑफ द डे, गाइज. एंड ये आपके सामने द लास्ट इमेज, एंड विल डिस्कस द नोटिफिकेशन इन 5 मिनट्स टाइम. मेक इट हैपन एंड शॉक एवरी वन. मेक इट हैपन एंड शॉक एवरी वन. So the time is right to all the people who are preparing for the bank examinations. आज का दिन सही है कि भाई make it happen, shock everyone. ये मौका आप सबके पास है prove करने का कि yes, everyone was wrong and you were right. So make it happen and shock everyone. Monica, I'm really sorry, I cannot read it right now, but we'll continue this on Wednesday. With this, we'll come to an end to our discussion, guys. And this is Kush Pandey signing out. Peace out.